आपको खुशी, यू शुड बी हैप्पी, और किस चीज से आपको खुशी मिलती है, चाहे वो फैमिली है चाहे पैसा है, एक बार वो आपको मिल जाती है उसका आप आनंद उठाइए। स्ट्रगल से ऐसे लगता है कि एक नेगेटिव, वो मेरे दिमाग में वो है कि स्ट्रगल एक नहीं, मैं किसी भी चीज को स्ट्रगल नहीं मानता, मैं उसको चैलेंज मानता हूं। मैं यही सोचता हूं कि उस जो जिस चीज को मैंने हाँ बोला है, चाहे वो फिल्म हो चाहे जो भी हो सीरीज हो, तो वो मुझे अच्छा लगता है यानी, और उसमें मुझे कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना। सभी का स्वागत है हमारे इस शो में सक्सेस स्टोरी सीजन 2, प्रेजेंटेड बाय ट्राइडेंट कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उनको कहते हैं ना कि हम बहुत वक्त से इंडस्ट्री में हर दिन हर वक्त कुछ नए अंदाज में देखते आ रहे हैं। तो जी हाँ, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं परवीन दबास सर, जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ रिसेंटली उनका एक नया सॉन्ग भी आया है। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साथ ही साथ सर मैं उस सॉन्ग को सुन रही हूँ तो हमेशा वो ट्रेंडिंग पे ही चल रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है पहले मैं ये जानना चाहूंगी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिंगर अभिनव बहुत अच्छा है, एंड जो इसके पीछे जो म्यूजिक कंपनी है बी लिव, मिस्टर महेश खुकरेजा, वेरी वेरी क्लोज ब्रदर ऑफ माइन, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक, बहुत पैशनेट है, एंड इसका जो वीडियो प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो डन बाय रेमो डिसूजा'स कंपनी, सो बहुत अच्छा टीम था, गाना बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था, दैट्स व्हाई आई सुनने से किया ना मैंने गाना, यू नो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, यू नो इट वॉज सो इमोशनल, स्पेशली टूडेज डे एंड टाइम, यू नो जहाँ पे कई बार मालूम नहीं होता कि कल हो या ना हो, you know, especially older people and you know all that, काफी लोगों को काफी problem हुई है, तो it emphasizes कि आपको अपने parents के साथ कितना close रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, so this song was so emotional for so many reasons, and that's why I really liked it, और पूरी team बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने बोला महेश कुकराजे भाई is very very dear to me, as soon as they told me this song I said of course I have to do it, and I love the storyline also, kitna jo simple father son relationship jo tha wo bahut hi acha tha, inhone jaise picturize bhi kiya, bahut hi acha emotional, and people are really loving it, like you said it's trending, so you know people are really liking this song. एग्जैक्टली तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, और साथ ही साथ सर अब चलते हैं हम सवालों के सिलसिले की ओर, और तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल, हमेशा तैयार हैं, हम तो एवर रेडी रहते हैं। ओके ओके, तो सर मेरा जो सवाल है, सबसे पहला सवाल यही है कि आपने इंडस्ट्री में कदम रखा 1999 समथिंग, ठीक है, और अभी तक 2021 तक आप उसी अंदाज में उसी तरीके से हर वक्त एक नए रोल के साथ हमारे सामने आते हैं, और साथ ही साथ दर्शक उसको पसंद भी करते हैं, तो आप किस तरीके से एक वो चीज को मैनेज करते हैं कि क्या दर्शकों को पसंद है, किस तरीके से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम उस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। मेरा लंबे इनिंग्स कि राज आप ये बोल सकते हैं कि मैं इन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, जो आपने मेंशन किया वो मैं उन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि उस जो जिस चीज को मैंने हाँ बोला है, चाहे वो फिल्म हो चाहे जो भी हो सीरीज हो, तो वो मुझे अच्छा लगता है यानी, और उसमें मुझे कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है, ओवरऑल नहीं, क्योंकि ओवरऑल अपना आपका जो करियर ग्राफ है वो हर चीज मिला के होता है, तो वो तो ठीक है 5-10 साल बाद काम करने के बाद फिर लोग देखते हैं वो इसने ये काम किया, फिर वो खुद अपने दिमाग में बोलते हैं कि इमेज ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं इन चीजों के बारे में फिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फिक्र करता हूँ, मैं अदरवाइज ज्यादा स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, इसलिए मैं यू कैन से और क्या है, मैं ये भी स्ट्रेस नहीं लेता कि और कौन क्या कर रहा है उसका काम ले लो ये बोल के किसी को डाउन करके बोल लो, मैं सिर्फ जो काम को मैं हाँ बोलता हूँ उसके बारे में ध्यान करता हूँ कि इस चीज को इस प्रोजेक्ट को मैं अपनी तरफ से कितना अच्छा बना सकता हूँ अपने जो कैरेक्टर के ऊपर काम करके दूसरों के साथ मिलके, इट इज अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस, चाहे वो आपका म्यूजिक वीडियो हो चाहे फिल्म हो चाहे सीरीज हो, एवरीथिंग इज वेरी कोलैबोरेटिव, वो सिर्फ एक उस इंडिविजुअल से नहीं बनता,
डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, फुल टीम ऑफ एक्टर्स एंड एवरीबॉडी बिहाइंड द सीन्स, कॉस्ट्यूम्स, वो सब एक टीम मिलके बनाती है. ऑफ कोर्स नजर आते हैं एक्टर्स, यू नो, अभी टीम चाहे जितने भी अच्छे हो, अगर आपके एक्टर्स अच्छे नहीं है तो वो सब फिस हो जाता है. सो योर एक्टर्स, दैट्स व्हाई वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट की, कि कितना अच्छा आप करते हैं उतना ही अच्छा वो प्रोजेक्ट नजर आता है. तो चाहे वो मॉनसून वेडिंग हो, चाहे हॉस्टेज सीरी हो, चाहे खोसला हो, चाहे म्यूजिक वीडियो हो पापा, इन 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 सब पे मैं कोशिश करता हूँ कि एक मजा भी हो काम करने का. इतना ओवरली सीरियस इंटेलेक्चुअलाइज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजा भी हो, लेकिन एक हर अलग उसमें एक अलग अलग किरदार नजर आना चाहिए. बिल्कुल. तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए अगर इंडस्ट्री में कोई भी यंगस्टर आना चाहेगा तो वो शॉर्टकट अपनाना चाहेगा. तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं? आप क्या सोचते हैं कि शॉर्टकट को ना अपना के आपको मेहनत कितना करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए? मैं यही बोलूंगा कि देखिए, कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है काम करने का. अगर किसी को शॉर्टकट से सक्सेस मिलता है तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि वो गलत है. मैं यहाँ पे जज बन के तो बैठा नहीं हूं कि ये गलत है ये ठीक है. जो जिसको ठीक लगता है, देखिए अगर किसी का शॉर्टकट से कुछ होता है देन हु एम आई टू जज, राइट? अगर कोई मेहनत करके टैलेंटेड होके उसका टैलेंट नोटिस होता है देन वेरी गुड. सबका अपना अपना पाथ है एक टू सक्सेस. कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है, लेकिन सबका अपना अपना पाथ है. कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं है कि आप ये करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा. एक टैलेंट ऑफ कोर्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा फिक्स्ड पाथ नहीं है. और ना ही मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैं बोल रहा था कि शॉर्टकट मत अपनाओ, ये मत करो वो मत करो. मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूं. जो जिसके लिए काम करता है, जो जिसके लिए काम करता है और आप वो करके खुश हो तो आप वो करो. एवरीबडी, मैं किसी दूसरे के काम में नोक झोंक नहीं करता, ना ही कुछ बोलता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए या यंगस्टर्स को ऐसा करना चाहिए. हाँ, यंगस्टर्स को मेहनत बहुत करना चाहिए. यू नो, दैट इज वन थिंग आई से. सी, इवन इफ यू आर लुकिंग एट शॉर्टकट्स, बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू नो, एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स. आपको लगेगा कि शॉर्टकट है लेकिन शॉर्टकट नहीं है. यू नो, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. आपके एक्टिंग स्किल्स पे, आपके बॉडी पे, हर चीज पे आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क वेरी हार्ड. अभी भी मैं 1 घंटा अभी जिम में लगा के फिर अभी आया हूं इंटरव्यू के लिए. सो यू हैव टू, यू नो, रियली बी वर्किंग हार्ड ऑल द टाइम. सो यही बोलूंगा कि यू नो, यू हैव टू मेक योर ओन लक. लक मेहनत करके ही बनता है. एंड यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस वक्त आप तैयार होने चाहिए. ये नहीं बोलना चाहिए अरे यार मैं पहले मालूम होता तो मैं तैयार होता, मैं थोड़ी और वर्कआउट कर लेता. नो, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम. कभी भी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खटखटा सकती है, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो. आपको अपना बॉडी और मेंटल स्थिति दोनों को अच्छा रखना है, ताकि उस वक्त जब अपॉर्चुनिटी आए आपके पास तो आप उसका फायदा उठा पाए. बिल्कुल सही कहा सर आपने. तो सर, जैसे कि आपने पर्दे के पीछे भी काम किया है और पर्दे के सामने भी काम किया है, तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं बात करूं पर्दे के पीछे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, और एज एन एक्टर मैं काम करती हूँ तो मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़े? देखिए, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि एज एन एक्टर ऑफ कोर्स आप सिर्फ अपने बारे में फिक्र करते हैं. जैसे मैं आराम से जाके वर्कआउट कर सकता हूँ, जब कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे. लेकिन एज अ डायरेक्टर आपके पास वो सब टाइम नहीं होता, क्योंकि सब कुछ आप संभाल रहे हो. सो यू हैव टू सी द ओवरऑल पिक्चर ऑल्सो. कितने सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, यू नो, कॉम्पोजिशन, सिनेमेटोग्राफर के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ, लाइट्स, ये वो, हर चीज आपको देखनी पड़ती है. एक टीम बहुत अच्छी होनी जरूरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. सो एक, और उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा है. एक्टर तो अपना काम करके हम चले जाते हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर आप एक प्रोजेक्ट के साथ कम से कम 1-2 साल के साथ जुड़े रहते हैं. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम जब आप एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहते हैं. ओके, तो सर जैसे कि आपने कहते हैं ना कि सारा भाई एक ऐसा नाम जिसको अभी भी लोग चाहते हैं देखना, उसमें भी अपना रोल किया, और कई सारी ऐसी मूवीज जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे एक अलग ही इम्पैक्ट बना के गई है, उन मूवीज के ऊपर काम किया, और अभी रिसेंटली आपने एक जो सॉन्ग जो
कहीं ना कहीं आगे जाकर भी लोग इसको सुनना पसंद करेंगे और रोज सुनना चाहेंगे, उसके ऊपर भी काम किया। तो अगर मैं जानना चाहूँ ओवरऑल जर्नी, तो उस जर्नी में क्या क्या स्ट्रगल्स आपको करने पड़े? जैसे कहते हैं एक एक्टर की लाइफ में हर दिन नया स्ट्रगल होता है, तो आपके साथ क्या स्ट्रगल रहा और किस तरीके से आपने उस चीज का सामना किया? सबसे पहले मैं किसी भी चीज को स्ट्रगल नहीं मानता, क्योंकि स्ट्रगल से ऐसे लगता है कि एक नेगेटिव वो मेरे दिमाग में वो है कि स्ट्रगल एक नेगेटिव। मैं किसी भी चीज को स्ट्रगल नहीं मानता, मैं उसको चैलेंज मानता कि अच्छा ये चीज करना है, इसको कैसे करना है। स्ट्रगल दिमाग में ऐसा लगता है यार इस टाइम के थ्रू कैसे भी ये टाइम काट के आगे निकल रहा है। नहीं, जो स्ट्रगल है आप जिसको बोल रहे हैं, जिसको मैं चैलेंज बोलता हूं, वो आपके जिंदगी का सबसे अहम टाइम है। जो भी आप सीख रहे हैं आप उस दौरान सीखते हैं। जब अच्छी चीजें चल रही होती हैं तब तो सब अच्छा ही होता है, चाहे आप बकवास काम भी करो वो उस टाइम वो सब अच्छा लगता है। बट लेकिन जो इस दौरान जो टफ टाइम है, जैसे मैं पहली बार जब बॉम्बे आया तो 6 महीने कुछ काम नहीं था और क्या क्या इधर घूम के वो फोटो देते थे वो, लेकिन वो एक उसको भी आपको एंजॉय करना चाहिए। उसको ऐसा मत सोचो यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, नहीं, आप उसको एंजॉय करो, चैलेंज समझो कि इसको मैं कैसे कर सकता हूं, कि उसको आप ये देखें कि सोल्यूशन की प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व कैसे करना है किसी भी चीज को। कि आप आए हो, लोगों से मिलो, ये करो वो करो, लेकिन ज्यादा भी पुश मत करो कि लोग तंग हो जाए। तो हर रोल भी एक चैलेंज है, हर समय ऊपर नीचे जाते हैं। आप देखिए पूरा जो देश है ये एक अभी पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहा है, लेकिन इसको आप स्ट्रगल मानेंगे तो पागल हो जाएंगे कि घर में यार ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, इसको चैलेंज मानिए कि एक चैलेंज है जो दुनिया पहले भी देख चुका है। पहले भी स्पेनिश फ्लू आया था दुनिया में जो जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को वो किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छी चीज नहीं इसको, लेकिन जो भी है इसको आप देखिए कि चैलेंज है कि आप घर में रह सकते हैं या नहीं 2-3 महीने, ये भी चैलेंज है ना कि आप रहिए। आप इसको स्ट्रगल मानेंगे तो ये 2 हफ्ते बाद तंग होके बोलेंगे यार चल बाहर चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, लेकिन इसको चैलेंज मानेंगे तो ये चैलेंज है कि आप कितना सेफ अपने को और अपने फैमिली को रख सकते हो, घर पे रहो, तो ये एक वो हो जाता है एक पॉजिटिव तरीके से। साइंटिस्ट को भी एक चैलेंज लगता है फिर कि हम कितने जल्दी वैक्सीन हम बना सकते थे, उन्होंने कितना जल्दी वैक्सीन बनाया। तो सबके लिए एक ये चैलेंज है पूरे देश के लिए कि हम कितने अच्छी तरीके से इसको फेस कर सकते हैं। तो सेम सेम तरीके से मैं हर चीज जो अप डाउन करीब में आते हैं या शुरुआत में या कभी भी उसको एक चैलेंज चैलेंज समझता हूँ कि ये करना है, अच्छे तरीके से करना है और ये चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आज आज से मैं स्ट्रगल की जगह चैलेंज ही कहूंगी कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज से काफी वो इन्फ्लुएंस हो गई कि हाँ हम चैलेंज कहेंगे तो वो चीज कहीं ऐसा लगता है कि हाँ इसको फेस करना है, पर स्ट्रगल कहेंगे तो वही 2-3 महीने बाद हम वही हो जाएंगे कि कैसे होगा किस तरीके से होगा। तो सर अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपके अर्ली लाइफ अगर चैलेंजिंग जर्नी के बारे में हम जानना चाहें कि किस तरीके से आप मुंबई आए, कैसे आपकी शुरुआत हुई ये चैलेंजेस की, सो आप हमें बताना चाहेंगे। मुंबई में लिटरली जैसे दिखाते हैं मूवीज में, मैं ट्रेन पकड़ के आया। उस वक्त मैं मुंबई में किसी को नहीं जानता था, एक फैमिली जो अभी भी मेरे बहुत करीब है वालियास, उनको मैं जानता था, उनके घर जाता था हफ्ते में एक बार खाना खाने, अच्छा खाना खाने, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत बजट पे थे, तो वो जो भी सबसे सस्ता रेस्टोरेंट मिल सकता था उसमें जाके खाते थे, जहाँ पे सब आपके ये लगा लो, मैं बुरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लेबर वगैरह जो आसपास जो जहाँ पे वो अभी भी मुझे याद है, वो कुछ 2-3 रुपए की दाल की प्लेट थी और 50 पैसे की एक रोटी। सो लेकिन उसको भी मुझे बुरा नहीं लगता, नहीं मुझे अच्छा लगता था कि हर चीज अपने को देखने को मिल रही है, हर चीज एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, हर चीज, और बिल्कुल ही उससे तो उस वो सबसे अभी भी मैं जाता हूँ, कभी उनको हाय हेलो बोलने जाता हूँ। जैसे फिर जब मुझे थोड़े से और पैसे बनने शुरू हुए, फिर मैं 15 रुपए के प्लेट पे 10 रुपए का चिकन का प्लेट ले लेता था, जब थोड़े से और बने तो वो 20-40 रुपए का प्लेट लेना शुरू किया। तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में वो शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन उसको मैं अपना बुरा वक्त नहीं मानता, उसको मैं बहुत ही अच्छा सीखने वाला वक्त मानता हूँ।
कि जब आदमी चाहे चाहे मैं कनाडा में बड़ा हुआ, न्यूयॉर्क में मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग की, लेकिन जब चाहे तो मैं कहीं भी खाना खा सकता हूँ और कहीं भी सरवाइव कर सकता हूँ। वो क्षमता सब में होनी चाहिए, कोई शर्म वाली बात ही नहीं है। आप चाहे किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, ये मैंने सीखा। सब काम कर रहे होते हैं, सब एक जगह आके खाना खाना होता है। और फिर शुरुआत में ऑफकोर्स मैंने एड्स वगैरह करना शुरू किया। जब मुझे एड्स का काम मिला तो काफी सारा काम मुझे एकदम से मिलना शुरू हो गया एड्स का। काफी सारे 3-4 साल मैंने एड्स किए, और फिर शुरुआत मैंने दिल्लगी के साथ किया, मिस्टर सनी देओल की फिल्म। एंड फिर दूसरी फिल्म मेरी मानसून वेडिंग थी, जो बहुत बड़ी हिट हुई। और वो भी आप देखिए, मैं एक्चुअली कहीं और जा रहा था शूट के लिए, और मैं जिम में था जब कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया मेरे पास। एंड मैं जाने वाला था सीधा जिम से, बस घर पे चेंज करके फ्लाइट पकड़ के मैं जाने वाला था एक शूट के लिए। तो फिर उन्होंने बोला आपको टाउन आके, उस टाइम मैं बैंड्रा में था, और टाउन आके आपको ऑडिशन देना है मीरा नायर की नई फिल्म के लिए। तो मैंने उनको बोला कि देखो अभी तो आज टाइम नहीं है मेरे पास, और मैं वापस आके कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, वापस आके तब तक तो लेट हो चुका होगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। तो जब मैं फोन रख रहा था तो मैंने खुद को बोला कि तू पागल है क्या, मीरा नायर की फिल्म है और ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, और तू, और वही देखिए कि उसको, फिर मैं अगर स्ट्रगल मानता यार को, मैं क्या कर सकता था? मैं नहीं, मैंने इसको चैलेंज माना। मैंने फटाफट फोन नहीं रखा, मैंने बोला मैं आ रहा हूं अभी, अभी आ रहा हूं। मैं लिटरली अपने शॉर्ट्स और बनियान में था जिम के, मैं गाड़ी इतनी तेजी से मैं गया टाउन, और मैंने ऑडिशन दिया, वापस उतनी तेजी से घर पे चेंज करके कैसे भी वो फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। और फिर वो जो शुरुआत का जो ऑडिशंस थे, उनमें से फिर मीरा नायर ने कुछ कुछ सिलेक्ट करके, और फिर वो खुद आ रही थी इंडिया, फिर खुद उन्होंने ऑडिशन खुद लिए, तो फिर उन्होंने मुझे उनमें से सिलेक्ट किया। जब आ, 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 मिले हम ऑडिशन के लिए, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप वही हो ना जो शॉर्ट्स और बनियान में आए थे ऑडिशन के लिए? मैंने कहा मैं वही हूँ, सॉरी, मैं सीधा जिम से आ रहा था और फ्लाइट पकड़ रहा था। तो मैंने कहा मिस, मैं वो चांस मिस नहीं करना चाहता। सो एनीवे, आप देखिए वो रोल मिला मुझे। सो कैसे भी करके आपको जो अपॉर्चुनिटी आती है उसका फायदा उठाना। तो ये एक शुरुआत हो गई फिर मानसून वेडिंग के साथ। तो ऑफ कोर्स उसके बाद काफी सारी 25-30 फिल्म्स की हैं। खोसला भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रागिनी एमएमएस पार्ट बिल्कुल टू जो मैंने बालाजी के साथ किया, और कॉमेडी, एक कॉमेडी हॉरर थी, उसमें भी बहुत मजा आया क्योंकि मुझे कॉमेडी करनी बहुत अच्छी लगती है। उसमें मैंने डायरेक्टर रॉक्स का रोल किया। फिर हॉस्टेजेस, ऑफ कोर्स हॉस्टेजेस इतनी बड़ी हिट हुई हॉटस्टार पे, उसमें भी बहुत मजा आया। अभी म्यूजिक वीडियो पे तो हर हर चीज में एक अलग वो है, हर प्रोजेक्ट में एक अलग मजा है। सर, अकॉर्डिंग टू यू, लर्न और उसके बाद अर्न, इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए आप लर्न करेंगे और काम करते रहेंगे तो अर्न खुद ब खुद हो जाता है। जो आप लर्न करेंगे और आप सीखेंगे कि कितना अच्छा आप हो सकते हैं, इफ यू स्टार्ट बिकमिंग अ मच बेटर एक्टर, फिर अर्न आप साथ साथ करते रहेंगे। यू वोंट हैव टू अर्न करने की आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। लोगों का फोन आता रहता है, प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जो इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉर्चुनेटली अभी हम ऐसे सिचुएशन में हैं अपने करियर में जहाँ जहाँ पे हमको काम के लिए ढूंढना नहीं पड़ता। हम उसमें चूज कर सकते हैं कि ये 5 चीजें, इसमें से मैं एक ये करूंगा। वो पैसा फिर खुद ब खुद बनता है, तो उसके बारे में फिक्र नहीं करना पड़ता टच। बिल्कुल। तो सर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने अर्न करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि अब मुझे लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ रहा कि आपने हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस लिया, या कोई ऐसा दिन जब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? बिल्कुल, हर प्रोजेक्ट से सीखने को मिलता है, हर लाइफ के हर दिन में कुछ सीखने को मिलता है। अभी अभी जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, एक्टर तो हम है ही, एक्टर डायरेक्टर, और अभी हमने एक लीग भी चालू किया है, स्पोर्ट्स लीग, प्रो पंजा लीग, तो अभी हम एक लीग ओनर्स भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम सीखते हैं अपने बच्चों से कि एक अच्छा फादर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उनको सिखाना भी पड़ता है, उनको डांटना भी पड़ता है। तो हर हर दिन कि एक अच्छा फादर कैसे बन सकते हैं, कि एक अच्छे बच्चों को शिक्षा देके अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनाते हैं, उसके बारे में भी सीख रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी काम है कि आप बच्चों को कैसा बड़ा कर रहे हैं और उनको क्या सिखा रहे हैं।
आई वुड से आजकल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल तो वो है, एक असली पापा का, जो एक असली पापा है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि बच्चे ऑफ कोर्स नटखट भी होते हैं, शोर भी मचाते हैं कि उनको कैसा समझाना होता है, कैसे उनसे काम करवाना पड़ता है, स्पॉइल भी होते हैं, तो उनको कैसा वैल्यू कैसे दिखा सिखा सकते हैं हर चीज की, क्योंकि बच्चों को आजकल काफी सारे बच्चों को हर चीज आदत मिली हुई है कि फोन मिल जाएगा, आईपैड मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, हर चीज सामने, तो उनको कैसे सिखाएं कि ये चीजें का वैल्यू कैसे करें, वो हर चीज में काफी अलग अलग चीजें मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने बच्चों को एक्सरसाइज भी काफी करवाता हूँ, हालांकि छोटे हैं अभी, लेकिन उनको कि एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिट रहना पड़ता है, ये चीजें सब कुछ सिखाता हूँ, तो काफी चीजें वो सिखानी पड़ती हैं, तो वो एक अच्छा एक लर्निंग है अपने लिए भी कि कैसे एक अच्छा फादर बनना चाहिए। तो सर जैसे कि आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिर आपने सोचा कि कुछ और अलग होना चाहिए, तो आपने स्पोर्ट्स लीग का शुरुआत किया, तो ये आइडिया आपके माइंड में आया कैसे कि हाँ मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए? क्या है, मैं स्पोर्ट्स का बहुत ही शौकिया हूँ और मुझे अलग अलग चीजों करने का शौक भी है, और स्पोर्ट्स का हमेशा शौक था, और मैं कुछ वेबसाइट्स ऑलरेडी, स्पोर्ट्स साइट्स हम चलाते हैं, एमएमए इंडिया, स्पोर्ट्स इंडिया शो, जो एक न्यूज के, स्पोर्ट्स न्यूज के वेबसाइट्स हैं, तो वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो लेकिन ये एक आइडिया था कि एक स्पोर्ट्स में आना है, एक ऐसा स्पोर्ट जो और कोई नहीं कर रहा है, तो पंजा जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं आर्म रेसलिंग, वो और कोई नहीं कर रहा, तो हमने जो फेडरेशन है उनके साथ टाई अप किया, और ये काफी 3-4 साल से इसके ऊपर, 4 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे हम कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर काम चल रहा था। एंड अभी ऑफ कोर्स हमने बिल्कुल पहले लॉकडाउन से पहले हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट किया, जिसमें विजेंदर सिंह और किरेन रिजिजू जी, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, दोनों आए उसको इनॉग्रेट करने, और अभी जब फिर लॉकडाउन चालू हो गया तो हमको थोड़ा पॉज करना पड़ा, अभी लॉकडाउन के बीच में जब अच्छा वक्त चला हुआ था तब हमने फेब में एक बहुत बड़ा इवेंट मुंबई में किया, और मार्च में बहुत बड़ा इवेंट के एक हम हिस्से थे, जो विजेंद्र सिंह जी का जो फाइट था, बैटल ऑन द शिप, गोवा में एक कैसीनो शिप के रूफटॉप पे बहुत बड़ा इवेंट था, उसके भी हम हिस्से थे, तो 3 बहुत बड़े इवेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और अब ऑफ कोर्स दोबारा लॉकडाउन हो चुका है तो दोबारा एक पॉज आ गया है, लेकिन काफी बड़े प्लान्स हैं, जो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अभी दोबारा काम चालू हो जाएगा तो हम दोबारा चालू करेंगे काम। ओके, तो हमें इंतजार रहेगा सर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपके साथ और कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि अब कुछ नया क्या आ रहा है, अब कुछ नया क्या आ रहा है, मतलब कहते हैं ना आपके सरप्राइज बॉक्स में अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी के अलावा अगर मैं जानना चाहूँ कि एक्टिंग से रिलेटेड या फिर डायरेक्टिंग से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो आप अभी हमारे सामने बहुत जल्द प्रेजेंट करने वाले हैं। मेरे अभी दो, एक शो है और एक मूवी है, एक मूवी है अक्षर स्टेट ऑफ सीएच, जो अक्षरधाम टेम्पल अटैक के ऊपर है, जो जी जी ओके स्टूडियो जो Z5 पे एक फिल्म आएगी, वो अक्षय खन्ना के साथ है, एक आर्मी ऑफिसर का रोल मैं भी निभा रहा हूँ, सब आर्मी ऑफिसर उसमें हम निभा रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और जो अभी शूट हमने किया है बस कुछ ही महीने पहले, लॉकडाउन शुरू होने से पहले, लकली हमने उसको कंप्लीट किया, तो बहुत जल्द वो रिलीज होगा, Z5 के ऊपर फिल्म है वो। एंड ऑल्सो एक जो मेड इन हेवन Season 1 जो था, उसमें Season 2 में भी मैं और दिया मिर्जा एक एपिसोड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, उसका भी थोड़ा सा भी शूट बचा हुआ है, और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है जो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल और इंटरेस्टिंग टाइप है, तो वो भी शूट करने जा रहा हूँ मैं, तो कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी शूट कर चुका हूँ और जो शूट करने वाला हूँ, तो वो रिलीज होने शुरू होंगे जल्दी। ओके, तो सर जैसे कि यहाँ पर हमने मोटिवेशन से रिलेटेड बात की, अब 5 मिनट हम थोड़ा गेम जोन पर चलते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सर अभी हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड, जिसमें अगर आप चूक गए तो आप राजस्थान आएंगे और हमारे साथ दाल बाटी चूरमे का आनंद लेंगे, अच्छा और बिल्कुल, अगर हम चूक गए तो आपकी तारीफ में हम चंद पंक्तियां पेश करेंगे। मैं लेकिन बोलना चाहूंगा राजस्थान वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज है, उधर मैंने ओके अपना स्टेट्स है, सॉरी, राजस्थान वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट्स है, और उधर मैं शूटिंग भी बहुत किया है, जैसलमेर में शूटिंग किया है, जोधपुर में शूटिंग किया है, बीकानेर में शूटिंग किया है, जयपुर में काफी शूटिंग किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है राजस्थान के लोग भी, वहाँ के लोकेशन भी, वहाँ के सिटीज भी, और वहाँ के लोग, खाना, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं राजस्थान आता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द मुझे बुलाएं वहां पे,
और वहां का खाना खाने के लिए। बिल्कुल सर, तो कुछ ऐसा रहेगा कि आपको जो है जल्द से जल्द हमें रिप्लाई देना है। तो ये जो पूरा रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड रहेगा, इसमें हम आपकी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करेंगे और आप क्या करना पसंद करते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? ऑलवेज रेडी। ओके ओके, तो हमारा पहला सवाल है, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चिकन। ओके, माय फेवरेट टू। ओके, आप अगर फ्री रहते हैं तो आपको क्या करना पसंद है, नेटफ्लिक्स या फिर लॉन्ग ड्राइव विद फैमिली? दोनों, आधा दिन नेटफ्लिक्स, आधा दिन लॉन्ग ड्राइव विद फैमिली। अच्छा, तो मतलब कहा जाए तो आपको पूरा दिन फ्री रहना है एक दिन ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, तो आपके फेवरेट एक्ट्रेस, अगर मैं बात करूँ पिछले जमाने की, उस दशक की, अगर कोई फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? वहीदा रहमान, उनका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। वो इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट भी थे और अभी भी इतने सुंदर हैं, इतने ग्रेसफुल हैं, बहुत ही बराबर बेस्ट आई वुड से एक्ट्रेसेस रहे हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। ऑफकोर्स गाइड वगैरह जैसी फिल्में, इतनी अच्छी फिल्में उन्होंने की है, बहुत ही रेयर है ऐसा। ओके, और फेवरेट एक्टर की बात करूँ तो दिलीप कुमार जी और अमिताभ बच्चन जी जो पहले जमाने के थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक्टर्स भी थे और स्टार्स भी थे। वो अपने हर किरदार को अलग ट्रीट करते थे और बहुत ही टैलेंटेड हैं और इतने इंस्पायरिंग हैं पूरी दुनिया के लिए। तो दे हैव बीन माय फेवरेट एक्टर्स। ओके, और अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो आप वेकेशन मनाने के लिए कहाँ पर जाना चाहेंगे? मेरा फेवरेट देश है थाईलैंड। उधर मैं बहुत जाता रहता हूँ क्योंकि मुझे डाइविंग करना भी पसंद है, स्कूबा डाइविंग वगैरह, और रिलैक्स करना। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और पास में भी है, तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं उधर। और वहाँ पे स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल, लोग बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे बच्चे और बीवी तंग आ गए कि बार बार मैं उनको थाईलैंड ले जाता हूँ, तो अगर मैं अभी थाईलैंड बोलता हूँ तो कहते हैं नो नॉट अगेन। तो लेकिन वो मेरा फेवरेट, इंडिया के बाद मेरा फेवरेट देश है। ओके, तो सर जैसे कि हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो लोगों की नजर में कहीं ना कहीं अच्छी होती है, बट हमें लगता है कि नहीं, मुझे ये चेंज करना चाहिए। जैसे मैं लोगों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को चेंज करना चाहिए। तो क्या आपकी कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आई शुड चेंज इट? हाँ, मैं भी कहूंगा सेम कि मैं लोगों पे विश्वास करता हूँ बहुत जल्द, और जब वो मुझे नाराज करते हैं तो मैं बिल्कुल ही कट ऑफ कर देता हूँ अपने आप। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो एक्सट्रीम है, इसको चेंज करके थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल से लोगों में उतना फेथ नहीं रखना चाहिए जितना हम रखते हैं, कुछ ज्यादा ही। तो इतना भी ट्रस्टिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। और अगर आपको नाराज करते हैं तो इतना भी वो नहीं होना, मेरे ख्याल से अपसेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो सर जैसे कि अगर बारिश का मौसम है और आपके जीवन साथी आपके साथ में, तो आप उनके साथ चाय का आनंद लेना चाहेंगे पकोड़ों के साथ या फिर कॉफी पीना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, चाय, कॉफी, पनीर और आलू के पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जलेबी, जलेबी और रबड़ी, और राजस्थान की मिठाई भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, राजस्थान की मिठाई बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यहाँ पर तो पता नहीं गेवर एंड ऑल बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, तो आपको पधारना चाहिए राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। ओके, तो इसी तरह हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ पर हमने आपके बहुत अनकही पसंदीदा चीजों के बारे में जाना, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप फिर चलते हैं हम मोटिवेशन क्वेश्चन की ओर, और मात्र 2 क्वेश्चन के बाद हम सेशन का वाइंड अप करेंगे। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमारी साथ कोई भी अगर ऐसी घटना होती है जब हम बहुत दुखी होते हैं, तो उस पल को याद करके हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं, तो कोई ऐसा पल है आपकी जिंदगी का जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा खुशी जो मिलती है वो अपने बच्चों से मिलती है, फैमिली से। तो जो भी, और वो इस उम्र में है अभी, कि कुछ ना कुछ नटखट उनके दिमाग में चलता रहता है, तो उससे हमको काफी खुशी मिलती है। जो बच्चों के बारे में सोचते हैं और उनके साथ जो पल बिताते हैं कि वो क्या है, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ओवर स्मार्ट है, वो हमेशा, उनको लगता है कि हम
माँ बाप का बेवकूफ बना सकते हैं और वो हर दिन कोशिश करते हैं बेवकूफ बनाने का, कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ ये बोलना वो बोलना, वो काफी वो तो जब मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा मुझे स्माइल आता है कि बच्चे हमको कैसे वो सोचते हैं कि माँ बाप पागल है, इनका हम बेवकूफ बना सकते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ ड्रामा करते रहते हैं, कुछ भी चाहिए तो वो ड्रामा करेंगे, तो वो ये चीजें सोच के हमेशा मुझे मेरे उस पे मुस्कुराहट आती है। ओके तो सर, ऐसी कोई व्यक्ति जो आपकी सफलता के पीछे है, जो उस वक्त जब आपको किसी की जरूरत थी और उन्होंने आपका साथ दिया, जो आपकी इंस्पिरेशन के तौर पर भी आप उन्हें मान सकते हैं, तो उनका नाम हम जानना चाहेंगे। देखिए ऐसे तो काफी सारे लोग हैं, लेकिन जो सब सबसे अहम है वो माँ बाप होते हैं इस जर्नी में, क्योंकि चाहे कोई हो या ना हो वो हमेशा आपके साथ होते हैं। और ये हमको मान लेना चाहिए कि ऑफ कोर्स कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही करीब हैं, चाहे अप डाउन हो वो आपके साथ रहते हैं हमेशा, माँ बाप तो लेकिन हमेशा रहते ही हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो है, और ऑफ कोर्स शादी के बाद अभी प्रीति बहुत बड़ी सोर्स है मेरे स्ट्रेंथ का, चाहे जो भी हो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, साथ में रहते हैं। सो आई वुड से जो फैमिली है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट का वो होता है। ओके, अब मुझे लगता है कि एक सजेशन आपके साथ कपल गोल्स के ऊपर भी होना चाहिए कि किस तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के जितने भी इंटरव्यूज हैं, जब भी आप दिखते हैं हमेशा एक साथ दिखते हैं, और एक कितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से हैंडल करते हैं वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। तो सर, हमारा जो आज का अंतिम सवाल है वो ये है कि जैसे कि हमारे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज, तो सक्सेस का मायना हर किसी के लिए अलग होता है। मेरे लिए सक्सेस कुछ और होगी, आपके लिए सक्सेस कुछ और होगी। तो अकॉर्डिंग टू यू, सक्सेस को अगर आप पर्टिकुलर वर्ड के तौर पे बताना चाहें तो आप कैसे बताएंगे, और साथ ही साथ अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस को मैं बोलूंगा खुशी, आपको खुशी, यू शुड बी हैप्पी। और किस चीज से आपको खुशी मिलती है, चाहे वो फैमिली है चाहे पैसा है, एक बार वो आपको मिल जाती है उसका आप आनंद उठाइए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोगों के पास पैसा होता है लेकिन खुशी नहीं होती। कितना होता है, कुछ ना कुछ फिक्र होती है, यार ये हो गया और वो हो गया, अब ये हो गया, वो स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं। सक्सेस मेरे लिए है स्ट्रेस फ्री, कि आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो आप खुशी खींच सकते हैं इसमें, आप फैमिली से, अपने काम से, वो आप खींचे और खुश रहिए। आप देखिए जिंदगी जो है वो बहुत ही अनश्योर है। किसको मालूम था कि एक ऐसा पैंडेमिक, ऐसी बीमारी आएगी दुनिया में जिसकी वजह से 1.5 साल हमको सब घर पे बैठा रहना पड़ेगा। आप समझ रहे ना, तो जितनी भी आप खुशी ले सकते हैं आपके अपने करियर से, अपने फैमिली से, वो लीजिए। क्योंकि पैसा चाहे हो या ना हो, वो खुशी होना, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास पैसा है खूब सारा और स्ट्रेस है तो उसका कुछ फायदा नहीं। तो उसको, पैसे को मैं सक्सेस नहीं मानता, मैं मानता हूं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जो आप करना चाहते हैं वो आप करो एक स्ट्रेस फ्री तरीके से, उसको मैं सक्सेस मानता हूं। ओके, तो मतलब कहा जाए छोटी छोटी खुशियों पर खुश हो जाना ही एक तरीके से सक्सेस। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके, सो सर, इसी के साथ, इस अंतिम सवाल के साथ हम हमारे सेशन का यहाँ एंड करते हैं। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आई होप आज के सेशन का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा रहा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि जब हम राजस्थान आए तो जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, जहाँ कई लोग कैसा है कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर आपने उस बिजी स्केड्यूल में से भी निकाल कर कुछ वक्त हमें दिया ताकि हम आपको और जान पाए, आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो पाए और मोटिवेशन ले पाए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और भी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हर दिन एक नई स्टोरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।